शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस का मामला सियासी रंग लेता जा रहा है। आर्यन खान के केस की जांच कर रहे एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ हर दिन नए नए आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगा चुके हैं। अब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर एक और बड़ा दावा किया है। मंत्री नवाब मलिक ने बताया है कि एनसीबी अधिकारी का साल 2006 में निकाह हुआ था। आपको बता दें, हाल ही में उन्होंने समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट जारी करते हुए उन्हें समीर दाऊद वानखेड़े बताया था। नवाब मलिक ने इस बात का दावा सोशल मीडिया पर किया है। नवाब मलिक ने आज सुबह सुबह दो ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, 7 दिसंबर 2006 को रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी का अंधेरी मुंबई के लोखंडवाला परिसर में निकाह हुआ था, जिसमें मेहर की रकम 33,000 रुपए रखी गई थी और इस निकाह में गवाह नंबर 2 अजीज खान समीर दाऊद वानखेड़े की बड़ी बहन यास्मीन दाऊद वानखेड़े का पति था। इस ट्वीट के साथ नवाब मलिक ने कथित निकाह नामा और निकाह की तस्वीर भी शेयर की है, जिसके साथ ही उन्होंने लिखा कि एक प्यारी जोड़ी की तस्वीर समीर दाऊद वानखेड़े और डॉक्टर शबाना कुरैशी। मलिक ने दावा किया कि समीर वानखेड़े जन्म से मुस्लिम हैं और उनका असली नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। हालांकि नवाब मलिक ने जोर देकर ये भी कहा कि वो समीर वानखेड़े के धर्म को लेकर चीजें उजागर नहीं कर रहे हैं, बल्कि कपटपूर्ण तरीके का पर्दाफाश कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं जिस मुद्दे को समीर दाऊद वानखेड़े को उजागर कर रहा हूँ, वो उसके धर्म का नहीं है। मैं उस कपटपूर्ण तरीके को उजागर करना चाहता हूँ जिसके जरिए उन्होंने IRS की नौकरी पाने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और एक योग्य अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसके भविष्य से वंचित कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर समीर वानखेड़े के पिता ने सफाई देते हुए कहा था कि उनका नाम ज्ञानदेव है और न कि दाऊद, जैसा कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया है। एक समाचार चैनल से बातचीत में उन्होंने बताया था कि उनका बेटा महाकाव्य महाभारत के अभिमन्यु की तरह है, जो दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन वो अर्जुन की तरह इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाएगा। मलिक पर पलटवार करते हुए समीर के पिता ने कहा कि राकांपा नेता बहुत निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें, मलिक ने मंगलवार को समीर वानखेड़े पर गैर कानूनी रूप से फोन टैप करने का आरोप भी लगाया और साथ ही कहा कि वो अधिकारियों के गलत कामों पर एक चिट्ठी एजेंसी के प्रमुख को सौंपेंगे। मलिक ने कहा, समीर वानखेड़े मुंबई और थाने के दो लोगों के जरिए कुछ लोगों के मोबाइल फोन पर गैर कानूनी तरीके से निगाह रख रहे हैं। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारत। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।